यस बेटा, नाउ वी मूव विद दी नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट। तो इसमें हम करने जा रहे हैं इवेल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होती हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हैं, देर आर टू स्टैंडर्ड लिमिट्स। स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, नंबर वन है लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू वन। इसमें आपको ध्यान रखना है जो साइन के साथ ये एंगल है ये और नीचे जो पार्ट दिया है सेम होना चाहिए। ये दोनों जो पार्ट यहाँ सेम है वो यहाँ होना चाहिए और ये वैल्यू टेंड करनी चाहिए जीरो। तो इस एक्सप्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन। तो ये लिमिट जो होती है वन के इक्वल होती है। फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसी तरह से टेन में भी होता है लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो टेन थीटा बाय थीटा इक्वल टू वन। यहाँ पे भी यहाँ थीटा ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए और ये जीरो को टेंड करना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, वन। और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये जो थीटा यहाँ पर यूज़ किया गया है साइन के साथ टेन के साथ, दिस मस्ट बी इन रेडियंस। तो ये रेडियंस में होना चाहिए, डिग्री में या किसी ग्रेड्स में नहीं होना चाहिए, किसी और टर्म्स में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना रेडियन में होना चाहिए। इसका भी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, इवेल्यूएट दी फॉलोइंग लिमिट्स। तो पहला पार्ट है इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बाई बी एक्स। सेकेंड पार्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वेयर ए एक्स ओवर साइन स्क्वेयर बी एक्स। थर्ड पार्ट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स पाई इंटू पाई माइनस एक्स। फोर्थ पार्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। तो देखते हैं ये लिमिट्स हम किस तरह से सॉल्व करते हैं विद दी हेल्प ऑफ दी स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो देखिए, यस बेटा, तो फर्स्ट पार्ट देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बाई बी एक्स। सबसे पहले चेक करते हैं ये कौन सी फॉर्म है। तो एक्स को हमने जीरो पुट किया, पहले देखना होता है पुट करके, अगर ये जीरो बाई जीरो या कोई भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आती है तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे लिमिट को, और अगर कोई फॉर्म आती है इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो आप रुक जाएंगे। तो देखिए एक्स को जीरो पुट करने पे साइन जीरो जीरो और जीरो बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, इसका रुकना है हमें। कुछ लिमिट्स का यूज़ करना है, स्टैंडर्ड लिमिट्स का, या कुछ अपने फंडामेंटल्स यूज़ करने हैं जिससे क्वेश्चन इजी हो सके और इसका आंसर कुछ फाइनाइट वैल्यू में आ सके। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना है साइन के साथ एंगल दिया है सेम एंगल यहाँ बनाना है आपको। यहाँ ए एक्स है, यहाँ बी एक्स है, तो मैंने क्या किया यहाँ ए एक्स ही कर दिया, ए को यहाँ बैलेंस कर दिया और बी को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब कुल मिला के यहाँ और यहाँ एंगल सेम बना दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो a बाई बी है ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो इसको मैंने लिमिट से बाहर कर दिया। ये देखिए लिमिट से बाहर चला गया और यहाँ लिमिट मैंने इसके साथ लिख दी, तो ये लिमिट आ गया ए एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स। अब ये ए एक्स कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ x टेंडिंग टू जीरो था, दोनों तरफ मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने a से मल्टीप्लाई किया ये आ गया ए एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब जहाँ x टेंडिंग टू जीरो है वहाँ हम ए एक्स टेंडिंग टू जीरो लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ एक स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट होगी, देखिए इस तरह की, कैसे, जो साइन के साथ है एंगल वही नीचे दिया हुआ है, वही यहाँ दिया हुआ है और वो टेंडिंग टू जीरो है। इसका मतलब हम इसमें यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड लिमिट का। तो आपने कहा अप्लाइंग द लिमिट करेंगे, ये वैल्यू वन हो जाएगी इस फॉर्मूले से, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है वन। सिंपल, ये वन इंटू ए बाई बी, ए बाई बी आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे मुश्किल है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वेयर ए एक्स ओवर साइन स्क्वेयर बी एक्स, ये पार्ट था सेकंड पार्ट, और इसको भी हमने चेक किया तो साइन जीरो जीरो साइन जीरो जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। इसमें भी हमने वही करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये जो स्क्वेयर दिया है थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया, भूल गया मैं, तो मैंने देखा ये क्या है साइन ए एक्स, तो मैंने ए एक्स को यहाँ बैलेंस करने की कोशिश की, ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए एक्स से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से नीचे भी करेंगे, स्क्वेयर को हम बाहर ले जाएंगे, एक्चुअली मैं बाहर ले जाऊँगा, लिमिट तो बाहर है ही है, तो इसको लिखेंगे साइन बी एक्स बाई बी एक्स और यहाँ बैलेंस कर दिया बी एक्स, तो बी एक्स से डिवाइड बी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मुझे ये हर कीमत पे चाहिए ए एक्स और बी एक्स, और इसका होल स्क्वायर कर दिया, क्यों, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ही चीज़ वापस आ जाएगी सॉल्व करके। अब करना क्या है, अब यहाँ देखिए ए बाई बी, यहाँ पर एक्स तो कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ये लिमिट से बाहर चला जाएगा, क्यों, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाहर हो गया, ये वाली लिमिट हम इसको दे देंगे और इसको दे देंगे। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा लिमिट ए एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स, और यहाँ लिखेंगे लिमिट बी एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स। अब ये ए एक्स और ये बी एक्स कैसे बना, वो यहाँ एक्सटेंडिंग टू जीरो था, यहाँ हम दिखा रहे हैं एक्सटेंडिंग टू जीरो था, दोनों साइड पे हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए एक्सटेंडिंग टू जीरो हो गया, और फिर हमने बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बी एक्सटेंडिंग टू जीरो हो गया। यहाँ हम लिमिट का अप्लाई कर देंगे, क्यों, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन चुकी है बिल्कुल इस तरह की, तो अप्लाइंग द लिमिट करेंगे ये वैल्यू वन हो गई, नीचे वैल्यू वन हो गई, होल स्क्वायर हो गया इसका, ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर था, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपने वो स्टैंडर्ड लिमिट जो बताई थी वो लिखनी होगी यूजिंग लिमिट थीटा इंटू जीरो साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है। तो इस तरह से बहुत ही ध्यान से आपको ये स्टेप्स लिखने होते हैं,
तो इसमें आंसर की वैल्यू तो चलो है, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं देंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स इसमें कट जाए। यस बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स पाई पाई माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक्स को हम अगर पाई पुट करते हैं तो जीरो हो गया, तो यहाँ भी जीरो, तो साइन जीरो बाई जीरो, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पाई इंटू जीरो जीरो होगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई। इसका रुक जाओ, इसमें क्या करना है आपको, देखो ये कॉन्स्टेंट है पाई, ठीक है, इसमें एक्स नहीं है, तो इसको हम बाहर कर देंगे वन बाई पाई को, लिमिट आ गई, ठीक है। और साथ में क्या करना है, देखो यहाँ एंगल सेम दिखाई दे रहा है, ये मुझे यहाँ चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको पाई माइनस एक्सटेंडिंग टू जीरो। कुल मिला के कहने का मतलब है वन बाई पाई बाहर आ गया, उसके बाद मैंने साइन पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स देखा, ये सेम था, और ये चीज़ मुझे यहाँ टेंडिंग टू जीरो चाहिए, मैंने लिख दी और यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कैसे, एक्सटेंडिंग टू पाई था, दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई हो गया, और इसके बाद मैंने इसमें पाई ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने पाई यहाँ ऐड किया जीरो हो गया, यहाँ पाई ऐड कर दिया। तो मैंने देखा अगर एक्सटेंडिंग टू पाई दिया हुआ है तो लिमिट की जगह और क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये देखो आ गया फायदा, ये बन गई स्टैंडर्ड लिमिट, उससे कंपेयर हो रही है, देखो एंगल सेम, यहाँ सेम, यहाँ सेम और यहाँ जीरो, तो इससे कंपेयर कर देंगे अप्लाइंग द लिमिट, ये लिमिट हमारी वन के इक्वल हो जाएगी, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई पाई आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन मार्क का। और देखते हैं एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं एक्स को पुट करता हूँ जीरो, आपको बोला है पहले डायरेक्ट पुट करके देखना है, अगर कोई फॉर्म आएगी इंडिटर्मिनेट फॉर्म तभी आपने रुकना है और आगे चलना, नहीं तो सीधी वैल्यू पुट कर देनी है डायरेक्ट। तो आपने देखा जैसे ही मैंने एक्स को जीरो पुट किया तो ये तो हो गया वन और ये जीरो, तो वन बाई पाई आंसर बन रहा है। इट मीन्स हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लिमिट को अप्लाइंग द लिमिट, एक लाइन में खत्म, कॉस जीरो बाई पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो वन होता है, वन बाई पाई आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्यूएट लिमिट जेड टेंडिंग टू वन, जेड रेस टू पार वन बाई थ्री माइनस वन, जेड रेस टू पार वन बाई सिक्स माइनस वन। चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं और देख पा रहे हैं जेड को जैसे ही मैं वन पुट करता हूँ ये देखिए जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ टू मेथड्स हैं करने के। एक मेथड तो जो मैंने पीछे सिखाया था आपको, कौन सा, एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन ओवर एक्स माइनस ए एक्सटेंडिंग टू ए एन इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस वन, उसका यूज़ कर सकते हैं ऊपर और नीचे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, जेड माइनस वन से ऊपर नीचे डिवाइड करके स्टार्ट करना होगा। उससे भी एक छोटा मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ईजी मेथड है। देखिए आपने क्या करना है, ये जो ऊपर जेड रेस टू पावर वन बाई थ्री है इसको लिख लेना जेड रेस टू पावर वन बाई सिक्स का स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा। तो मैंने क्या किया, जेड रेस टू पावर वन बाई थ्री की जगह लिख दिया जेड रेस टू पावर वन बाई सिक्स का स्क्वायर, और यहाँ वन को वन का स्क्वायर लिख दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसके फैक्टर हो गए ए माइनस बी ए प्लस बी। उससे फ़ायदा क्या हुआ, ये नीचे वाला पार्ट जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल हो गया हमारे पास सिंपली बचा लिमिट जेड टेंडिंग टू वन जेड रेस टू पावर वन बाई सिक्स प्लस वन, जेड रेस टू पावर वन बाई सिक्स प्लस वन यहाँ आ जाएगा। अब क्या आएगा, अब आप देख पा रहे हैं इसमें ओब्लिक वाली फॉर्म चली गई, आप अप्लाइंग द लिमिट कर सकते हैं क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो ये आ जाएगा वन रेस टू पावर वन बाई सिक्स प्लस वन, ये वन आ गया, वन प्लस वन टू, टू इज द आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस टू एक्स माइनस वन ओवर कॉस एक्स माइनस वन। तो स्टार्ट करते हैं, एक्स की जगह जीरो डालेंगे, कॉस जीरो वन माइनस वन जीरो, कॉस जीरो वन माइनस वन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। अब यहाँ क्या करना है, हमें किसी तरह से इस फैक्टर को हटाना है यहाँ से क्योंकि ये जीरो बना रहा है, ठीक है। इसके लिए कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, टू कॉस केयर एक्स माइनस वन। तो ये आपको फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो कॉस टू ए आपने किया है फॉर्मूला, क्या होता है, टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस वन, इस फॉर्मूले का यूज़ आप यहाँ कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए टू कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस टू, टू कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस वन, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इसको लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे वन का स्क्वेयर लिख सकते हैं आप। तो कॉस एक्स माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस वन, ये कॉस एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, इट मीन जीरो बाई जीरो फॉर्म रिमूव होगी। आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू इंटू कॉस एक्स प्लस वन। नाउ जीरो बाई जीरो फॉर्म चली गई, अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अप्लाइंग द लिमिट। तो देखिए बेटा अप्लाइंग द लिमिट करेंगे तो ये बनेगा टू इंटू कॉस जीरो प्लस वन, कॉस जीरो वन होता है, टू इंटू टू फोर, फोर आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इवेल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स बाई बी साइन एक्स।
तो देखिए ये क्वेश्चन, जैसे मैंने एक्स को जीरो किया साइन जीरो जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया, इट मीन्स ये जीरो बाई जीरो फॉर्म ही बनेगी। तो ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक्स की टर्म होती है, साइन की टर्म होती है ना, इसमें सिर्फ एक्स की टर्म होती है, तो इसको आप क्या करेंगे, साइन है, साइन एक्स है, एक्स है, एक्स कॉस एक्स है, तो इसको आप एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, लिमिट तो सेम रहेगी बाहर, एक्स से आप डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, मतलब डिवाइडिंग न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। ठीक है, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ ए आ जाएगा प्लस कॉस एक्स आ गया और नीचे बी साइन एक्स बाई एक्स रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये लिमिट को यहाँ ले आना और यहाँ ले आना। तो देखिए ए प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स और बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट का यूज़ कर देंगे क्योंकि यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, फॉर्मूला बन गया है, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है, वन। ठीक है, और यहाँ जैसे हम पुट करेंगे कॉस जीरो, ये वन हो जाएगा और ये लिमिट वन होगी, बी इंटू वन हो गया। तो आपका आंसर जो बनेगा इसमें ए प्लस वन बाय बी। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।